भाइयों, वक्त वक्त पर अपनों की याद आती है। आज से 28-30 साल पहले एक चिराग था इस घर में, दीपू यादव। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। भगवान वो जहां कहीं भी हो, मेरी आत्मा का आशीर्वाद पहुंचे। भाइयों, हम और आप सभी चलने को बैठे हैं, लेकिन चलने का समय हो तब जाए तो इतना कष्ट नहीं होता। और जो समय से पहले चला जाता है वो जख्म बहुत गहरा होता है। ये लड़का दीपू बड़ा होनहार था, लेकिन हमने ये गीत लिखा था कि जो मानव इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता, और जाने के पश्चात यहाँ पे कोई खबर नहीं पठवाता। जाने वाले लोगों को न जाने कहाँ ठिकाना है, ग्राम प्रांत जनपद पत्रालय नहीं किसी ने जाना है, दूरभाष भी नहीं मिल पाता, कोई पता नहीं बतलाता। और दीपू को भी दया ना आई, ऐसा तोड़ गया है नाता। धीरे धीरे जा रहे हैं बालक वृद्ध जवान सभी, किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। बाप रहे बेटा मर जाता, बच्चे को छोड़ मर गई माता, जाने के पश्चात यहाँ पे कोई शकल नहीं दिखलाता। भाइयों, मैंने बताया आपको आगे पीछे कूच यहां से एक दिन सबका होना है। ये गोना रुक जाए मगर वो हो के माने गोना है। भाइयों, कोई आगे कोई पीछे सभी यहां से जाता, ज्ञानी धानी योगी साधु पता न कोई पाता। मौत से लड़ने के लिए कोई संगठन नहीं बनाता। मेरे प्यारे भक्तों, जाने वाले सभी जाएंगे, लेकिन आगे पीछे कौन यहां से आखिर सबका होना है। लेकिन समय से पहले जो चला जाता है लोगों, वो जख्म बहुत गहरा होता है। ईश्वर की लीला देखो, सबको मौत पछाड़ रही, किसी किसी के बने बनाए पल में खेल बिगाड़ रही। फिर मानव क्यों इतराता, कैसे रच रहो खेल विधाता, जाना है आधार तुझे भी क्यों न गीतों में गाता। भगवान इस बच्चे की जहां भी आत्मा हो, वहां ना तो पत्र पहुंचे न तार पहुंचे, जहां पर दीपू प्राण आधार पहुंचे। आज वक्त पे उसकी याद आ रही है लोगों, जहां दीपू की पवित्र आत्मा हो वहां इस आधार का प्यार पहुंचे। भाइयों, व्रत की परिभाषा नहीं जानती जी सामने बैठी है, ये तो बस एक बात जानती हैं, आज सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। व्रत है इनका, सास अगर पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। आज शुक्रवार है, संतोषी का दिन है, मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, मैया को मनाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। बनाओ, ये कैसा व्रत है तुम्हारा? व्रत का अर्थ समझो, आप तुम पढ़ी लिखी हो, गमार तो हो नहीं। तो
तो बहन आओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं। व्रत माने संकल्प, मैं व्रत करती हूं अपनी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी, मैं व्रत करती हूं सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी, मैं व्रत करती हूं अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को अपना भैया, अपना पिता, अपना बेटा मानूंगी, मैं व्रत करती हूं पति के चरणों को धोकर के पीऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। और जानती हो बहना, हो अगर तुम पति की प्यारी बनना चाहती हो, तुम पति की प्यारी बनना चाहती हो तो एक मंत्र हम तुम्हें बता दें, फिर तुम पति की आंखों की पुतलियां बन जाओगी। अच्छा, इतनी सामने बैठी हो, अपने पति की प्यारी कौन कौन बनना चाहती हो, हाथ उठाओ। बड़ा सुंदर तुम्हें आज इलाज बताऊंगा कि पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। अपने अपने पति को कौन बस में करना चाहती हो? हाथ उठाओ। भागवत सुने, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हाथ उठे हैं। और तुम सबका पति के लिए डंडा बनाए बैठी हो, उसे मारूंगी। अगर तुम पति को बस में करना चाहती हो तो पत्थर पे लिखो, मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बार फिर कहूंगा, हाथ उठाओ कौन कौन पति को बस में करना चाहते हैं। कचू कचू तो डर के मारे हैं, नेक हाथ उठाती। अब बता दें, ध्यान से सुनो, अपने सास ससुर की तुम सेवा करती नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। अपनी सास, अपने ससुर, इनको देवता तुमने मान लिया तो तुम्हारा पति तुम्हें देवता मान लेगा। ध्यान रखिए, इसलिए भागवत सुनने आई हो, ढोलन नौटंकी नहीं, भड़ुओं के गीत नहीं। वैसे तो भड़ुए भागवत गद्दी बैठ के खूब गंदे गंदे गीत गाते हैं, लेकिन तुम सती साध्वी बनो मेरे भाइयों, प्रिय व्रत बनो। और तुम जितने बैठे हो पीछे, तुम प्रिय व्रत बनो, संकल्प करो आज से दारू नहीं पीऊंगा, संकल्प करो खेत की मेड़ नहीं काटूंगा, संकल्प करो अपनी पत्नी के दिल को नहीं दुखाओगे, संकल्प करो ब्याज लेकर गरीब के बच्चे नहीं भटकाओगे, संकल्प करो किसी कमजोर पे ताकत नहीं दिखाओगे। तुम भी प्रियव्रत बनो। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वो जंगल में शिकार को गए, एक हिरण एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रहे। राजा ने बाण निकाला, कान तक डोरी खींच के बाण मारा। ये बाण हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हाय हाय, हिरणिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा, और दोनों छटपटा के मरने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रिय व्रत, ये तो हम जानते हैं राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन चुराया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने इनको? अरे जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कब है?
शायद तू सोच रहा हम कभी नहीं मरेंगे। और जानते हो हवलदार भैया, पाप कौन करता है? पाप वो करता है जिसे ईश्वर की याद नहीं, पाप वो करता है जिसे मौत का ध्यान नहीं, और जिसे ये ध्यान है कि हजारों आंखों वाला मेरे दुष्कर्म को देख रहा है वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम है मेरी खोपड़ी पर चांद का, मेरी चांद पर जूता लटक रहा है काल का, मौत का, पाप नहीं करेगा। देव ऋषि नाद कहने लगे, जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कर। और कहने लगे देव ऋषि नाद, हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा जहबिलिया में, ये लड़का सुरजीत नंगला गढ़ी से आए हैं और 500 मुद्राएं पगड़ी हार दे करके हमारा सम्मान करते हैं। भगवान इस बच्चे को धर्म पर चलने की पूर्ण शक्ति दे, जो अपने जीवन को धन बनाते रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात को दिल में बसा लेना मेरे दिल, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाली उसी घाट पे आई, और स्वर्ण भस्म के खाने वाली उसी घाट पे आई, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर उसी घाट पर आए, लखपति के समना ढेला जुड़ा, ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है लोगों, दिमाग में रखना। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दियन को टाइम रहे, सो माला घुमा जाए और कांप जाए सर्दी के मारे, तो लो हमारे भैया हवलदार जैसे निकले दरोगा जी, महात्मा को कपत बहुत देखो तो कम्बल फेंके लोग, ले बाबा कम्बल ओढ़ के भजन करो। महात्मा जी कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे, अरे दैया तौलियों को चोर चलो आओ, मन कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाज दो। महात्मा माला हाथम पकड़े और एकदम से बच्चोर के पीछे भाज, सारे तो छोड़े नहीं तो कहूँ जाइए, तो छोड़े ना तो कहूँ जाइए, पीछे पीछे महात्मा, आगे आगे चोर। सो चोर घुसियो गांव में, और महात्मा
हमारे घर में आए के बैठे रहो। कान लगो सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले बाबा जी चोर घुसियो गांव और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना। महात्मा कान लगे कहूं जा एक दिन ही जरूर रहे। ये सच्चा एड्रेस है उठता हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। चाहे कहूं जाइयो दरोगा जी वहां चल रहे हैं। मेरे भाइयों नारद जी के उपदेशों से प्रिय व्रत को वैराग्य हो गया। अपने घर आया अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दिया और कहने लगा मेरा अनुसंधान पूर्ण हो गया अब हम भजन करने जाएंगे तुम राजा बनो। उत्तानपाद राजा बन गए प्रिय व्रत भजन कर बेको चले गए। समझो इस बात को अगर औरत में औलाद में दौलत में परिवार में चैन हो तो प्रियव्रत जैसा चक्रवर्ती राजा जंगल में क्यों जाता खाक रमाने। ध्यान रखना लोग कुछ नहीं है। दरोगा जी जो लो आंखें खुली हैं तो लो लग रहे जे मेरे कोई ना है। भगवान के अलावा धर्म के अलावा और कुछ नहीं। आज राजा उत्तानपाद बन गए अयोध्या के राजा। उनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों ये सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है सुबह जगती है दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करके। घर में हजारों नौकरानी हजारों बानी पति को प्यास लगे तो नौकरानी तो नहीं कहे कि एरी पानी ला खुद पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करवे वाली लड़कियां पति को भूख लगे बांधियन तो नहीं कहे कि अच्छी रोटी बनाओ अपने हाथों से भोजन बनाए अपने प्रिया को जमाए। ध्यान रखो बहनों कथा सुनना ही एक दूसरे पे हुक्म न करियो। पति के लिए भोजन तुम खुद बनाना पति को प्यास लगे पानी खुद देना। पति जब थक जाए तो अपने परमेश्वर की तरह से पति की सेवा करना। ध्यान रखो रानी सुनीती सवेरे जगते सबसे पहले पति के पैर छूती है। अच्छा तुम इतनी बैठी हो हाथ उठा सवेरे को मैं पति के पांच छुए थे। बताओ लोगों जब जे पति के पैर नहीं छूती जे दो एक हाथ उठियो गए। पति के पैर अगर नहीं छोयो तो फिर कौन के छोयो भूतन वाले भगत है।